अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इंजन ऑयल की लाइट आ रही है फोर्ड F150 में। तो आपने इसे कैसे रीसेट करना है मैं आज आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले करना ही है क्या है, आपने जो इग्निशन स्विच है वो ऑफ़ कर देना है गाड़ी को और स्विच को निकाल देना है। स्विच निकालने के बाद आपने जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो आपने ओपन कर देना है। For 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. उसके बाद आपने फिर स्विच को कनेक्ट कर देना है और गाड़ी को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो इंजन की लाइट आ रही थी वो अब नहीं आ रही। तो यही सिंपली वे जिससे आप रीसेट कर सकते हैं। आप स्कैनर से भी कर सकते हैं पर स्कैनर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, तो मस्ट भी वो अपडेट हो फिर ही होगा, वैसे नहीं हो सकता। चलें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।